देखो सारी साजिश होगा किसानों को पता है, 26 तारीख वाला भी पता, और हम तो कह रहे हैं सरकार से प्रशासन को भी हुआ है कि आप हटाओ, आप लाठी चलाओ, गोली चलाओ, लेकिन गुंडागर्दी कि जिनकी सरकारें हैं उनके विधायक आके यहाँ किसानों को परेशान करेंगे, उन पर लाठियां चलाने का काम करेंगे, हिंसा कराने की कोशिश जो जिस तरीके से कल कराई गई, ये किसान नहीं बर्दाश्त करेगा। अहिंसात्मक रूप से बैठा तो बैठा है, लेकिन इस तरीके से आप अगर गुंडों के दम पे हटवाना चाह रहे कि भाई इधर पुलिस घुसेगी, उधर पुलिस गिरफ्तार करेगी, इधर से आप ये बताओगे और ये दिखाओगे कि हमने भाजपा ने जो है किसान खदेड़ दिए, किसान नहीं खदेड़ने जाने का। यहाँ पर तो टिकैत जी ने ये कहा कि हम सरकार से बात हमारी चल रही है, हमारे बातचीत नहीं, बात नहीं टूटनी चाहिए, बात करनी चाहिए, बात माननी अब करनी चाहिए कि ये किसान के इशू है, ये ना कहीं बहकने वाला 26 तारीख वाला मामला भी। कौन लोग जो तय रूट पे तो आपने बैरिकेटिंग लगा दी पक्की, चार चार पांच पांच लाइन उसकी लेयर की, और जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है वो आसानी से आपने खोल रखा था। अब यहाँ से NH24 से चढ़ के कोई तो वो सीधा ही उतरेगा ITO जाके, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, 7-8 लाइन पर ट्रैक्टर चल रहे, कोई व्यवस्था नहीं थी ना, कभी सामंजस्य सरकार ने या प्रशासन ने बैठाने की कोशिश करी। अच्छा, अब ये बताइए आप लोगों का महापंचायत भी आज वेस्ट यूपी में होने वाला है और यहाँ पर भी अभी खाली करने के लिए बोल दिया गया है, क्या रणनीति? खाली कराओ, कराना चाहिए, इस तरीके से नहीं करने के, गिरफ्तार करो ना, आके गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी देंगे।